इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? U स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, X स्टैंड फॉर डिस्टेंस, और ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। ये लाइन क्या शो कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो मुझे एक एग्जांपल दो या आंसर दो। अगर टोटल एनर्जी 100 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक का सम 100 जूल है, अगर पोटेंशियल जीरो है तो काइनेटिक पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 100। शुरू करें, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो पहली स्टेटमेंट, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू ये रहा, एक्स टू पे पोटेंशियल कितनी है? जीरो। ये को टच कर दिया नीचे एक्सिस को, जीरो। टोटल कितनी है? आठ। आठ में से जीरो गया, आठ, तो काइनेटिक कितनी है? आठ। तो काइनेटिक मैक्सिमम है, और वो क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर ग्रेटेस्ट है। बिल्कुल सही, हमने तो रॉन्ग मार्क करना है, तो ये तो रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट है, एट एक्स लेस देन एक्स वन, ये रीजन, इस रीजन में टोटल एनर्जी कितनी है? आठ। काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग एट द लोएस्ट स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां पर स्मॉलेस्ट है और पार्टिकल मूव कर रहे हैं विद द लोएस्ट स्पीड। बताओ पोटेंशियल कितनी है यहां पर? आठ। टोटल कितनी है? आठ। काइनेटिक है? जीरो। पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, तो बी आंसर है, डन। बी गलत बात कर रहे हैं, वो कह रहे पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, बी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे चेक करना है इसे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय इज रोलिंग 0.5 केजी बॉल, क्या गिवन है? मास। ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ, क्या गिवन है? वी। द बॉल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल ऑन द वे, आफ्टर डिफ्लेक्शन इट मूव विद 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज स्पीड ऑफ द बॉल नाउ? अब वो क्या कह रहे हैं, टोटल एनर्जी पहले थी कितनी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू मास कितने? 0.5 इंटू कितना? 20 स्क्वायर। अब फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? 5% ऑफ टोटल, 5% ऑफ ये काइनेटिक। नई एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इज 5% ऑफ इनिशियल। निकाल लेना, वी निकालो क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करके वी निकालो क्या आंसर आ रहा है। तो नई एनर्जी 5% ऑफ इनिशियल, तो ए बी सी डी में से मार्क करो। सी 4.47, बिल्कुल सही, सी आंसर है 4.47। नेक्स्ट, ना ये ऐसे होगा नहीं, इसमें एक नया स्टाइल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव है, नई बात बनेगी। एक नया स्टाइल का क्वेश्चन है, ये बॉडी किस में घूम रही है? इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल आपको पता है, आपको क्या निकालना है? रेडियस वेलोसिटी का रिलेशन। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और यू की वैल्यू इतनी है, सबसे पहले आप सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल लें, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस डी यू बाई डी आर, राइट। तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू, U की वैल्यू कितनी है? माइनस सी बाय आर। तो यहां से F की वैल्यू, C कांस्टेंट है, d बाय डी आर ऑफ R रेज टू पावर माइनस वन, तो F की वैल्यू इज इक्वल टू C माइनस वन R की पावर माइनस टू। तो F की वैल्यू क्या है? माइनस सी बाय आर स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? याद रखना, फोर्स नेगेटिव स्टैंड फॉर कि ये फोर्स टूवर्ड सेंटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटर का ओरिजिन मानना है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, तो सर्कल में फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर नहीं, टुवर्ड्स सेंटर, तो नेगेटिव फोर्स है। तो मतलब या तो क्वेश्चन में ये लिखा हो कि फोर्स सेंट्रिपेटल है, तो
तो और कितनी फोर्स है, सी बाई आर स्क्वायर, तो बात समझ में आती है टुवर्ड सेंटर है। अगर कुछ भी ना लिखा हुआ और फोर्स की वैल्यू से बताना है कि टुवर्ड सेंटर है, तो फोर्स का साइन क्या लगता है, नेगेटिव। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी बाय आर स्क्वायर। तो माइनस साइन क्या शो कर रहे, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर। अब फोर्स होती क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, सी बाय आर स्क्वायर, आर से आर कैंसल, एम वी स्क्वायर की वैल्यू सी बाय आर, हाफ से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। तो आपको ये पता, वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ो। तो आपको रिलेशन निकालना है किसका, वी स्क्वायर का और आर का, तो वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो ये वी है और आर, ये आंसर है। लीनियर हो नहीं सकता, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोला की तरह बनता है। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई का ग्राफ वो बनता है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई का ग्राफ ये है, तो इनवर्स का प्रोपोर्शन का ग्राफ ये बनता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसका रूल है, क्या करना है इसमें सॉल्व। आज और चार पांच क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें और क्लैरिटी हो जाएगी आपको, बट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसका, कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक ठीक है। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट अलोंग एक्स एक्सिस, अ डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, रिटार्डिंग फोर्स, जो कम होती रहती है, डैम्पिंग, एनर्जी लॉस को बोलते हैं डैम्पिंग, रिटार्डिंग फोर्स इज डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स इसके इक्वल है। तो आपको फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस एल्फा इनटू एक्स स्क्वायर, माइनस साइन का मतलब है कि रिटार्डिंग फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है, विच इज नेगेटिव। डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स ये बता दें, तो क्वेश्चन है पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट, स्टॉप करने का मतलब फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल एनर्जी क्या है, जीरो। इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ इनटू m इनटू v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है यहां तक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस हाफ एम टू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। अब फ्रिक्शन का जो वर्क डन है उसमें एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेशन से वर्क डन निकलेगा, और क्या निकलेगा, माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से लेके एक्स नॉट तक, जहां बॉडी रुकेगी, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो से एक्स नॉट, तो माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, तो क्या आ गया, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, एल्फा बाहर आ गया, एक्स क्यूब बाय थ्री, जीरो से लेके कहाँ तक, एक्स नॉट तक। इसे सॉल्व करें और आंसर निकालें, ऑप्शंस गलत हैं, इसमें ना मास भी आ रहा है कहीं पर, यहाँ पे मास भी आएगा। अब सही करें, क्रॉस मल्टी सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर निकालने क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आना चाहिए शायद, क्यूब आ गया ना, एक्स नॉट का क्यूब आ गया, क्यूब रूट लेके शायद डी ऑप्शन आएगा, चेक करें। रेडी, डी ऑप्शन आएगा,
पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या होगा? स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच लेंथ एल हैज अ फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ के। स्प्रिंग को हमने कट कर दिया दो पार्ट्स में ताकि एल वन इज इक्वल टू एन इन टू एल टू, यानी कि एल वन बाई एल टू की लेंथ क्या है एन, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की रेशियो क्या है। ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का एक फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्मूला रजिस्टर में लिखवाया था, क्या कि अगर हम स्प्रिंग को काट दें दो हिस्से में तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लेंथ। जैसे अगर लेंथ एल बाई टू, एल बाई टू होगी, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टू के हो गया। अब यहाँ पे एल वन बाई एल टू क्या है, एन इज टू वन, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की रेशियो क्या होगी, वन इज टू एन डी। उल्टा कर दो, लेंथ की रेशियो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की उल्टी रेशियो हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट, तो क्या क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ना मैंने एफ फोर्स लगा दी। पहले एक कहानी सुन लो, जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और स्प्रिंग अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है स्प्रिंग की, और मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। जैसे पेंडुलम है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी ज़ीरो, मेन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ऐसी स्प्रिंग का भी सेम केस है। वो ये कह रहा है कि जब ये क्रॉस करेगा किसी पॉइंट को तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ये बताओ। चलो मान लेते हैं कि ये किसी भी पॉइंट को क्रॉस करता है और जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो मैं ये मान लेता हूं कि जब वेलोसिटी v मैक्सिमम है तो एक्सपेंशन स्प्रिंग की x है, तो स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हो गया, एक्स एक्सपैंड हो गया होगा। अब वो अपने आप तो नहीं हुआ, मैंने फोर्स लगाई और मैंने वर्क डन किया होगा तभी एक्सपैंड हुआ होगा। तो मैंने जब एक्स एक्सपैंड किया होगा तो मैंने कितनी फोर्स लगा रखी है, एफ, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स एक्सपेंशन हो गई। ये फॉर्मूला तो वैलिड ही है, अगर एक्स एक्सपेंशन है एफ फोर्स अप्लाइड है। तो मैंने वर्क डन कितना किया, एफ इंटू एक्स। उस वर्क डन में जब ये ब्लॉक मूव करेगा और जब वेलोसिटी इसकी मैक्स हो जाएगी तो इस ब्लॉक के पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वी मैक्स, और तब स्प्रिंग एक्सपेंडेड कितना होगा एक्स, तो स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग खिंच जाएगा तो स्प्रिंग में एनर्जी आ गई, सिस्टम मूव कर रहा होगा तो ब्लॉक की एनर्जी भी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों चीज। और ये क्यों हुई, अपने आप थोड़ा हुई, मैंने क्या किया, वर्क डन किया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को वी मैक्स निकालना है पर मेरे को एक्स नहीं पता क्या है। तो एक काम करो, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एफ अपॉन के, यहां और यहां पुट करें और निकाल लें वी मैक्स क्या आएगा, ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन चेक करें। तो जो आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया उसे दो काम हुए, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग एनर्जी भी आई और काइनेटिक एनर्जी भी आई। ए
चेक करना, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है यहां तक, तो यहां से आंसर ए आ गया। नेक्स्ट है 70, नहीं 70 क्वेश्चन पीछे गलत है, स्टार का मतलब है गलत क्वेश्चन डाला हुआ, ये नहीं करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अभी किया भी था ऐसा क्वेश्चन, यू वाला, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल और यू पता है यहां से एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर से एफ निकलेगा, लगाओ ट्राई करो इसे। फिर से एक बार, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल है, ऑफ रेडियस कितना ए, ऑफ रेडियस कितना ए, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स टोटल एनर्जी क्या है। अब एक बात बताओ, टोटल एनर्जी होती क्या है बताओ, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, इसमें से पोटेंशियल तो आपको गिवन ही है, आपको क्या निकालनी है काइनेटिक। एक काम करते हैं, यू का मतलब क्या होता है, एफ, एफ इज इक्वल टू क्या, माइनस डी यू बाय डी आर, तो F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू, यू का मतलब क्या है माइनस के बाई टू आर स्क्वायर, तो F की वैल्यू क्या आएगी, K कांस्टेंट, D बाई डी आर ऑफ टू भी कांस्टेंट, R रेज टू पावर माइनस टू, तो यहाँ से F की वैल्यू आएगी K बाई टू इन टू माइनस टू आर की पावर माइनस थ्री, तो F की वैल्यू आएगी K, टू से टू कैंसल, माइनस K बाई आर का क्यूब, ये फोर्स, फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या है सेंट्रिपेटल फोर्स है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स होती क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है के बाय आर का क्यूब, तो यहां से आर से ये आर कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई के बाय आर स्क्वायर, हाफ से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास पोटेंशियल आपके पास है, काइनेटिक आपके पास है, दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, मेरे को लगता है जीरो ही ना आ रहा हो, दोनों तो बराबर आ रही हैं आपके सामने ही है, दोनों जीरो है क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे आंसर जीरो। याद रखना एक बात, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये याद रखना ठीक है। तो कहीं सोचो कि पोटेंशियल नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, हो सकती है पोटेंशियल नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐड करोगे आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ये नहीं है कि मैंने बोला नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, देखो ये बताओ दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और दोनों के ऊपर फोर्स ये लग रही है,
और कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं। अब ये सर्कल वाला सेम क्वेश्चन, अब क्या करूँ इसमें, मैं फॉर्मूला लगाऊँ f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर? नहीं, क्यों? क्योंकि फोर्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो u गिवन हो फिर तो f इज माइनस डी यू बाई डी आर से f निकालें। वो तो कह रहे हैं कि मुझसे वैसी फोर्स ले लो, तो फोर्स दे तो रहे, माइनस कॉमन निकाल ले, 16 बाई आर प्लस आर क्यू। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? सेंट्रिपिटल है। तो इसका मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 16 बाई आर प्लस आर क्यू। तो यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16 प्लस आर की पावर 4। और अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 16 प्लस आर की पावर 4। तो ये क्या आ गई मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, दो पार्टिकल घूम रहे हैं, एक रेडियस 1 पे घूम रहा है और एक रेडियस 4 पे घूम रहा है, तुम्हें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तुम एक काम करो, एक में एक बार आर की जगह 1 पुट कर दो और एक बार आर की जगह 4 पुट कर दो, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। एक बार आर को 1 पुट करो, एक बार 4 पुट कर लो, चेक कर लो, आंसर आएगा। समझ में आ रहा है करना क्या है? टू से दोनों साइड को डिवाइड नहीं किया, एम वी स्क्वायर गिवन है, दोनों तरफ से टू टू कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर ना कुछ ऐसा आ रहा होगा, 17/272 ऐसा आ रहा है। अब इसकी हिम्मत करके थोड़ा सा आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसका, इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे वेरी कर रही है। मैं ना जान के ए नहीं पुट कर रहा, वो कन्फ्यूजन ना हो जाए एक्सेलेरेशन से, वो ए कांस्टेंट है तो अल्फा पुट कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी एस के साथ डिपेंडेंट है। टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी बॉडी इन दी फर्स्ट टी सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन क्या है? तो आपको ये बताना है कि टी सेकेंड के बाद वर्क डन क्या है। देखो अगर आप मुझे ये बता दो कि टी आफ्टर टी सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी क्या है, हाँ मुझे इतना पता है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो मैं क्या करूँगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँगा, यही मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन आंसर आ जाएगा। अब यू तो मेरा जीरो ही है,
तो बेसिकली मेरे को वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम टी सेकेंड, तो टी सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लें। अब एक प्रॉब्लम है, वेलोसिटी एस पे डिपेंडेंट है, अगर टी होता तो मज़ा ही आ जाता, वेलोसिटी टी पे डिपेंडेंट है, पुट करता आंसर आ जाता। हाँ हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अब एक प्रॉब्लम वही करना पड़ेगा मुझे, वेलोसिटी को लिखना पड़ेगा डी एस बाय डी टी एल्फा इंटू रूट एस, और एस वाली फैमिलीज को एक तरफ रखना पड़ेगा ऐसे, ये ऐसे, ये देखो ऐसे, और अब इनकी क्या करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। तो एस की पावर माइनस हाफ डी टी, और ये क्या बना हुआ है इज इक्वल टू एल्फा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, एस की वैल्यू आपके पास हाफ एल्फा टी आएगी, स्क्वेयरिंग करके 1/4 इंटू एल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर आएगा, ये लो एस आ गया। अब देखो अब बात बनेगी, एस आ गया टी की टर्म में, पर मुझे तो वी चाहिए, कोई बात नहीं। वेलोसिटी क्या होती है डी एस बाय डी टी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एस, एस की जगह क्या पुट करें 1/4 इंटू एल्फा स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/4 इंटू एल्फा स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब क्या है 2t, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी एल्फा स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये लो यहाँ से इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दो, आंसर मार्क कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या चलाकी से उसने वी को पहले एस की फॉर्म में दिया ताकि आप अपना क्वेश्चन ना कर पाएं, पहले आपने वेलोसिटी को इसको इंटीग्रेट करके काइनेमेटिक्स लगाया, तो आपने इसको डी एस बाई डी टी इंटीग्रेट करके क्या निकाला एस इन टर्म्स ऑफ टी, ताकि आप इसको एस को डिफ्रेंशिएट करें और वेलोसिटी आए इन टर्म्स ऑफ टी, फिर उस वेलोसिटी को यहाँ पुट करें, ऑप्शन मार्क करें, क्या रहे सी मेथड समझ में आ रहा है, रूल क्या है इसका कि क्या करना पड़ेगा, समझ में आती है बात। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें, ठीक रूल क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, क्वेश्चन है देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ पहले, उसके बाद आप इसको ट्राई करना। पी क्यू आर करके आपको ये एक फिगर गिवन है, ठीक है पी क्यू आर, तो इसके अंदर आपको ऐसे गिवन है, एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है,
और ऐसे, ये पॉइंट आपको पी गिवन है, ये क्यू गिवन है और ये आर गिवन है ऐसे। वो कह रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये एंगल आपको गिवन है कितना 30 डिग्री, ये आपको गिवन है 2 मीटर, यहाँ फ्रिक्शन है और यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, म्यू म्यू दोनों में सेम है, राइट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बॉडी को यहाँ से हमने छोड़ दिया, यहाँ पे आई और यहाँ पर आ गई और वो कह रहा है कि इस पॉइंट जंक्शन पे कोई एनर्जी लॉस नहीं है और वो ये कह रहा है कि जब वो बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी और रुक जाएगी, जितना लॉस एनर्जी का यहाँ पे हुआ उतना लॉस एनर्जी का यहाँ पे हुआ। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉस दोनों रास्तों में सेम हुआ। तो क्वेश्चन है बताओ ये एक्स क्या होगा, वो कह रहा है क्यू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स, क्वेश्चन पढ़ लो यही गिवन है, एक्स बताओ क्या होगा, बॉडी कहाँ जाके रुकेगी। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि पी क्यू में लॉस क्यों हुआ, क्योंकि वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने काम किया इसलिए लॉस हुआ, फ्रिक्शन ने कितना काम किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस पी क्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इतना वर्क डन किया, और क्यू आर में कितना काम हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू कितना एक्स। इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको निकालनी है, एक एक्स निकालना है और एक म्यू निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो आपको ये टर्म गिवन है, तो वर्क डन की वैल्यू मैंने बराबर कर दी फ्रिक्शन की, जो वर्क डन हुए बराबर हो गया, माइनस लगाने दोनों में, माइनस लगा के कैंसिल कर लो, एक ही बात है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? बताओ जब ये बॉडी यहां उतरेगी, अगर ये 2 मीटर ये 30 है और ये डिस्टेंस पी क्यू है, तो साइन ऑफ 30 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय साइन 30, यानी कि साइन 30 तो हाफ होता है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4, पी क्यू की लेंथ 4 है। और बताओ जब ब्लॉक यहां पे होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या, एम जी कॉस 30 इंटू पी क्यू, पी क्यू कितना है 4, यहां पे जब ब्लॉक होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन एम जी है, इंटू डिस्टेंस एक्स, एम जी से एम जी कैंसल, म्यू से म्यू कैंसल, तो एक आंसर तो आ गया, चेक कर लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एक्स, कितना पॉइंट्स में कितना आ रहा है, ऑप्शन देख के, ऑप्शन तो एक्स कैसे निकल रहा है, बात समझ में आ रही है कि एक्स कैसे निकलेगा, वर्क डन की वैल्यू दोनों में बराबर गिवन है, तो वर्क डन यहां और यहां के वर्क डन को मैंने बराबर कर दिया, वर्क डन पे फ्रिक्शन दोनों केस में बराबर करके एक्स म्यू, ओ सॉरी ये म्यू नहीं सॉरी एक्स आ गया, एक्स आ गया, एक्स कितना आ गया 0.0 पॉइंट, ऑप्शन में है की भी चेक कर लो ना कितनी है पीछे, वेरीफाई कर लो, एक्स ही आ रहा है, जीरो पॉइंट टू नाइन, ओके ठीक है, सही है। अब मुझे क्या निकालना है, म्यू निकालना है, अब म्यू निकालना है, देखो अब म्यू कैसे यहां तक क्लियर है ना, एक्स की वैल्यू आ गई ना, सॉरी एक्स है ना, तो कट गया म्यू से म्यू, गलती से मैंने लिख दिया था म्यू, वो एक्स है सर, एक्स 3.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, अच्छा प्लीज एक बार चेक करो भाई इसका आंसर, पीछे आंसर क्या है, की में आंसर क्या है, पीछे की में भी चेक करो सर, वो म्यू की वैल्यू थी 0.29, अच्छा कितनी 3. ओके डन, ठीक है 3.5 डन, सही है, ठीक हो गया, तो एक्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है, म्यू निकालने का तरीका देखो, म्यू निकालने के लिए काम करो, जब बॉडी यहाँ से चली तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
एम जी एच एम जी इंटू टू, सारी की सारी एनर्जी यहाँ आते आते तो खत्म ही हो गई क्योंकि बॉडी यहाँ पे रुकी गई। क्यों खत्म हुई? क्योंकि वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने कितना काम किया? फ्रिक्शन ने काम किया एफ इंटू पी क्यू, और यहाँ पे कितना किया? एफ डैश इंटू एक्स, वही सेम काम। तो फ्रिक्शन ने जो काम किया उससे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैंने इक्वेट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी, मेरे पास तो एम जी एच थी, आते आते वर्क डन बाई फ्रिक्शन से वो बैलेंस हो गई। कोई डाउट इसमें? अब एक काम करते हैं, क्योंकि वर्क डन बाई फ्रिक्शन दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो क्यों ना ऐसा करें, ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, तो एक काम करते हैं इसकी जगह यही वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि इसको ट्वाइस कर देते हैं। ये देखो ऐसे, तो आपके पास एम जी इंटू टू इज टू इंटू, अब यहां पे फ्रिक्शन कितनी निकाली थी आपने? म्यू टाइम्स एम जी इंटू एक्स। अब निकाल लो म्यू 0.29 आ जाएगा, ऐसे आया था, अब म्यू आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है, एक बार आपने कैसे करना है, दूसरी बार कैसे करना है। कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का? ठीक है, तो नेक्स्ट, तो इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखना प्लीज। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ एफ विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। देखो साफ बोल रहे, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, इसका मतलब ये फोर्स क्या है? सेंट्रिपिटल। देखो उसने टुवर्ड्स सेंटर बोला इसलिए माइनस नहीं लगाया, पर मैंने तो बोला ही नहीं तो मैंने माइनस लगा लिया। तो फोर्स का फॉर्मूला सेंट्रिपिटल का क्या बनेगा? माइनस अल्फा आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो फोर्स के फॉर्मूले को नेगेटिव के साथ लेना है सेंट्रीपिटल में। आगे क्या करना है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? देखो टोटल मैकेनिकल में काम करते हैं, पहले काइनेटिक निकालते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर, माइनस मत लगाना क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? अल्फा इंटू आर की पावर क्यूब, हाफ से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ये लो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, क्लियर है? अब क्या निकालते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी है? माइनस अल्फा आर स्क्वायर, लेकिन फोर्स होता क्या है? माइनस डी यू बाई डी आर। तो डी यू की वैल्यू क्या होगी? माइनस एफ डी आर। अब इसके अंदर एफ की वैल्यू है कितनी? माइनस अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो डी यू की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा आर स्क्वायर डी आर। इसे करते हैं इंटीग्रेट, तो अल्फा कांस्टेंट है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो यू की वैल्यू आएगी आर क्यूब बाय थ्री। ये लो, तो ये यू की वैल्यू आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। दोनों को ऐड करके ऑप्शन मार्क कर लो आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है,
डी डी ए ठीक। नेक्स्ट देखो इसमें क्या करना है, एक बॉल है जिसका मास आपको गिवन है वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। हाथों को मैंने 0.2 मीटर ऊपर उठाया जैसे बॉल ऊपर चली गई। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे वो कल फायरिंग की थी एक वो बॉल वाले वो हॉरिजॉन्टल वो कोई मशीन है जो बॉल्स को ऊपर फेंक रहा है, तो उसमें क्या करते थे, मैंने अपने हाथों से फोर्स एफ लगाई और कितने डिस्टेंस तक लगाई, 0.2 मीटर तक लगाई और बॉल ऊपर चली गई और बॉल ने क्या एक्वायर कर ली, पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया और यानी कि 0.2 इंटू जी इंटू टू, निकाल लेना फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, आंसर 20 आ जाएगा। 20 पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें? तो आप पहले वर्क डन करेंगे अपने हाथों से और वो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है। ठीक है तो नेक्स्ट है कुछ नहीं करना है इसमें, मुझे सिर्फ ये बताओ जब ये ब्लॉक आ रहा है मान लो विद द वेलोसिटी ऑफ वी और इसे कंप्रेस कर जाता है और कंप्रेशन कितना करता है इसमें, एल एक्स की जगह एल, तो आज तक क्या लगाते आए, हाफ एम वी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर में। यही रूल है, काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पर हमें तो मोमेंटम निकालना है। तो एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू हाफ के इंटू एल का स्क्वायर, एक्सपेंशन यहाँ पर एल है, निकाल लो पी, निकाल लो आंसर पी, निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? ठीक है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट है।
डाउन फ्रॉम द हाइट ऑफ एच वन, फिर इट रीबाउंड टू हाइट ऑफ एच टू. रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग इज 4. तो एक काम करते हैं, हिट करने से पहले वेलोसिटी वी वन है, हिट करने के बाद वी टू है, और ये रेशियो 4:1 है. तो आपको निकालना है परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी. तो लॉस क्या है, ये पहले है, ये बाद में है, ये पहले है इनटू 100, ये लॉस है. तो लॉस क्या होता है, पहले करंट एक वन है, फिर कम हो गई तो लॉस हो गया, फिर डिवाइड बाय इनिशियल परसेंटेज आ गया. तो ये क्या आएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर. ये क्या आएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर. ये क्या आएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर इंटू 100. तो यहाँ से काम करो, वी वन वी टू की रेशियो पता है आपको, वी वन की जगह 4 times वी टू पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर निकालो और कंपेयर करो, एक्स निकालो क्या आएगा, जो आंसर आएगा कंपेयर करके एक्स आएगा, नहीं इंटीजर आएगा, आंसर तो इंटीजर है. कोई नहीं, चेक कर लें दो और क्या रहे. चेक करना क्या 375 आ रहा है. ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको x बाय 4 के इक्वल करना है, फिर x निकालना है. पॉइंट क्लियर है यहां तक. तो यहां से सॉल्व करूं, आंसर आ रहा है 375 आएगा. इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, कहानी ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं. पहली बात तो जो ये रिंग है इसके 2 रेडियस होने चाहिए, इनर और आउटर, और हम 2 रेडियस में काम नहीं कर सकते, हमें एक ही रेडियस चाहिए होता है. तो अगर 2 रेडियस गिवन होते तो हम पहले एवरेज निकालते R1 + R2 / 2 करके, पर इस बार बाई चांस उसने हमें एवरेज रेडियस ही दे रखा है 15, तो हमें ये भी काम करना नहीं है. तो एवरेज रेडियस का मतलब इसके सेंटर के साथ रेडियस के साथ कैलकुलेशन है. आगे इसको 22 की वेलोसिटी से हमने छोड़ दिया, और फिर उसके बाद ट्यूब के अंदर इसको घेरा, ये घूमता गया, 5 चक्कर काटे इसने, और अल्टीमेटली ये बॉटम के ऊपर रेस्ट पे आ गया. तो स्टार्ट के यहां से हुआ था, पर फाइनली ये बॉटम पे यहां पे रेस्ट पे आ गया 5 चक्कर काट के. आपको बताना है वर्क डन बाय ट्यूब क्या है. देखो इसलिए रुका क्योंकि वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन, ट्यूब की फ्रिक्शन ने काम तो किया ही है. अब ट्यूब की फ्रिक्शन ने क्या काम किया है, इसको रोकने का काम किया है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है. ग्रेविटी मतलब ऊपर नीचे, तो आप बॉडी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है. तो अगर अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है तो उसे फर्क ना पड़ता कि तुम 5 चक्कर काट के आए हो या 500 चक्कर काट के आए हो, डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी. बस पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंडेंट करता है सब कुछ, और कुछ नहीं करता है इसमें. तो आप बस मुझे ये बताओ, जब ये यहां पे था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ इंटू एम इंटू
वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो एम इंटू जी इंटू 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? तो ये क्या आ गई, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। कोई डाउट इसमें? अब जब ये बॉटम पे आ गई तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो, काइनेटिक की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूं, चेंज इन टोटल एनर्जी ही इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ट्यूब, तभी तो एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि ट्यूब ने सारा काम ही खराब कर दिया, आपकी एनर्जी जीरो कर दी, तो कर दो माइनस इसमें से ये, तो निकाल लो यही अमाउंट ऑफ वर्क डन है आंसर, निकाल लेना, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम ही आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? देख लो क्या आंसर है पीछे, 245 है, तो इसके अंदर इसका 245 आ रहा है, इसमें तो 245 आ रहा है। ठीक, फाइव चक्कर का चक्कर ही नहीं है इसमें, क्योंकि नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा इसमें। ये क्वेश्चन करना है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि मैंने फोर्स लगाई 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन फोर्स को लगाया, लेकिन जो एंगल थीटा है वो इसमें वेरिएबल है के एक्स, तो फोर्स जो हॉरिजॉन्टल इसको आगे लेके जाएगी वो एफ कॉस थीटा है, और एफ की वैल्यू क्योंकि 2 न्यूटन है तो क्या आएगा, 2 इंटू कॉस थीटा या 2 इंटू कॉस ऑफ के एक्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, 2 cos kx, एफ cos थीटा, ये फोर्स से ये ब्लॉक आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, ठीक है, इतनी एक्वायर करेगा, मतलब अगर मैं तुम्हें काइनेटिक बता दूं कुछ टाइम के बाद क्या काइनेटिक है एक्स डिस्टेंस के बाद, तो एक्स इज डिस्टेंस कवर्ड पे, तो काइनेटिक एनर्जी को इसके साथ कंपेयर करके एन निकाल लें। चलिए काम करते हैं, मैं काइनेटिक निकाल के दिखाता हूँ। तो कितनी फोर्स से ये आगे जाएगा, 2 cos of kx, सही, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 cos of kx, एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt इज इक्वल टू 2 cos of kx। अब प्रॉब्लम क्या है, x वेरिएबल है इसमें, यहाँ पे टाइम चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, m इंटू dv/dt को
डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, टू कॉस ऑफ के एक्स ये लो, ठीक। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी, तो एम इंटू वी इंटू डी वी, डी एक्स को राइट साइड पे ले जाते हैं, टू कॉस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स ये लो, ठीक। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, अगर अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, एम इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ के एक्स डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर वी स्क्वायर बाई टू आ गई, इसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स क्या है, के। तो अब अभी काम क्यों नहीं करते, इसको इससे कंपेयर करना, चेक करो एन की रेश एन की वैल्यू कंपेयर करके क्या आ रही है, टू, कंपेयर करके देख लो, यही है काइनेटिक एनर्जी, आंसर टू। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, एन की वैल्यू टू कैसे लिखी मैंने, कंपेयर कर लिया, तो मैंने काइनेटिक निकाल ली फोर्स से और फिर कंपेयर कर लिया। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक। ठीक है, ये लो, तो इसमें लिफ्ट है जिसका मास m है, डिसेंडिंग विद अ स्पीड ऑफ 2, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2। काइनेटिक एनर्जी एट दी फॉल, तो 6 मीटर के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या है, तुम बस मुझे वेलोसिटी बता दो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और मास तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 500, तो वी निकालना है, तो एक काम क्यों नहीं करते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा लो, वी की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 और एस की वैल्यू कितनी है इसमें 6, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देना और यहाँ पे पुट कर देना, आंसर जूल में आएगा, पर तुम्हें किस में निकालना है, किलो जूल में, तो डिवाइड बाय 1000 भी करना है इसमें, कर लेना आंसर, देखो क्या रहा है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कैसे करना है इसमें, चेक करता हूँ कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 7000 जूल, 1000 से डिवाइड करके 7, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर कर लेना आंसर, ठीक है यहाँ तक। ये क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है हमने स्प्रिंग में, याद है, एम जी इंटू एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, मैंने स्प्रिंग के अंदर लिखवाया था, अगर ट्रे के ऊपर बॉल गिरती है और दोनों नीचे जाते हैं तो एम जी इंटू एक्स प्लस एक्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्प्रिंग एनर्जी। फोटो याद आ रही है, चेक कर खोल देख ले, कोई नहीं, टेस्ट होने अभी सब ठीक हो जाएगा अभी, ये लो,
अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगना है इसमें। देखो क्वेश्चन है, पेंडुलम जिसकी लेंथ 2 मीटर है कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बॉब ऑफ मास 50 ग्राम। ये लो, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास एक 50 ग्राम का ब्लॉक है और 2 मीटर की पेंडुलम की स्ट्रिंग है। बुलेट जिसका मास कितना है, 75 ग्राम है, वो इसकी तरफ आता है विद द स्पीड ऑफ वी, और ये किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। अरे क्वेश्चन किया हुआ है, बुलेट इसे हिट करेगा फिर दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, ऐसा हमने किया हुआ है, इसे क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये कह रहा है कि बुलेट इसको हिट करता है फिर एमर्जेस आउट, बाहर निकल आता है छेद करके, मतलब उसमें से बाहर निकल आया। अब बाहर निकल आया 75 ग्राम का बुलेट है और कितनी वेलोसिटी से, v/3 वेलोसिटी से, और ये जो बॉब है इसका क्या हुआ, इसने पूरा चक्कर पूरा कर दिया सर्कल का। अगर पूरा चक्कर कर दिया तो गारंटी है इसकी वेलोसिटी जो रेस्ट पे थी, पहले रेस्ट पे थी, फिर क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 5gl, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में चक्कर कंप्लीट करने के लिए क्या लेनी होती है, अंडर रूट ऑफ 5gl। कोई डाउट इसमें? अब लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन और वी निकालो। टक्कर से पहले मोमेंटम बोलो कितना है, 75 बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी, ब्लॉक का क्या है, जीरो, टक्कर से पहले जीरो, टक्कर के बाद बुलेट का मोमेंटम कितना है, 75/1000 इंटू v/3, बुलेट तो बाहर आ गया, और ब्लॉक का क्या हुआ, ब्लॉक का, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ 5gl, पुट कर दो l को 2 मीटर, सॉल्व कर लो, v आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगा, टक्कर से पहले क्या हुआ, टक्कर के बाद क्या हुआ, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें? सही, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो यहाँ से v की वैल्यू अगर निकाल लें तो v आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चेक करें, किसी का आ रहा है वैसे 10? तेन आया किसी का? लंबी कैलकुलेशन है।
तो ऐसा क्वेश्चन हमने काफ़ी बार किया कि अगर 60 डिग्री पे हम इसको रिलीज़ कर दें 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। और कैसे बनता था डायग्राम ऐसे, अगर आपको याद हो तो डायग्राम ऐसे बनता था, यहाँ से चलता है ये यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और आपको क्या निकालनी है यहाँ की वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी गिवन दूसरी निकालनी है, तो क्या करें एनर्जी कंजर्वेशन। तो एंगल कितना है 60, लेंथ क्या है एल, मैंने आपको हमेशा बताया कि ये हाइट हमेशा क्या होती है एल माइनस एल कॉस थीटा, यही हुआ था। तो इसके अंदर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी एम इंटू जी इंटू एल माइनस एल कॉस 60, और काइनेटिक एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होगी ज़ीरो, और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो, काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो निकाल लेना वेलोसिटी आ जाएगी आंसर। ऐसा क्वेश्चन सर्कुलर में बहुत किए थे, एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी को निकालना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, 5। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ऐसा हमने किया नहीं था, चेन की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ये। नहीं, इसमें ऐसा करना पड़ेगा, एक ना चेन है और चेन टेबल के ऊपर है और 3 मीटर लंबी चेन है और 3 केजी का मास है, और वो ऐसे लटक रही है कि फर्स्ट केस में 2 मीटर लाइंग ऑन द टेबल तो 1 मीटर हैंग कर रही है, 1 मीटर लटक रही है। अब क्वेश्चन है कि सपोज दूसरे केस में ये टेबल है, चेन पूरी की पूरी नीचे लेके आनी है 3 की 3 मीटर, जब चेन स्लिप होगी तो इस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी चेन की क्या होगी, ये क्वेश्चन है। चेन का 2 मीटर भी टेबल पे है, आप छोड़ दें नीचे आएगी, जब टेबल पे आखिरी लिंक रह जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी चेन की, ये क्वेश्चन है। अगर आप ये सोच रहे हैं हाफ एम बी स्क्वायर तो मतलब ही नहीं है, चेन पे तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, किस किस की एनर्जी निकालोगे, नहीं हो पाएगा। आपको देखो एक क्या करना है, इमेजिन करो अगर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन दूं कि इस चेन को उठा के टेबल पे रखना है, इस चेन को उठा के टेबल पे रखना है, हमने किया था ये, कैसे करते थे हम इस क्वेश्चन को, हम क्या लेते थे सेंटर ऑफ मास, तो 3 मीटर का मास 3 केजी है, तो 1 मीटर का कितने 1 केजी है, तो 1 केजी मास यहां पे पड़ा हुआ है और जिसका ये डिस्टेंस कितना है 1/2 मीटर, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर वर्क डन की वैल्यू आएगी इसमें एम जी एच, ये किया था हमने शॉर्टकट सेंटर ऑफ मास से, क्या करते थे याद है एम जी इंटू हाइट क्या लेनी होती है इसकी, आधी आधी मतलब हाफ। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इतना वर्क डन करना पड़ेगा ऊपर रखने के लिए। नेक्स्ट है, अगर मैं कहूं पूरी की पूरी चेन ऊपर रखनी है, कोई बात नहीं, आप कहोगे 3 मीटर का मास 3 केजी,
कहाँ पर पड़ा होगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे। ये डिस्टेंस कितना होएगा? 3/2 मीटर। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? एम जी इंटू 3/2। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, वो डाउट इसमें। अब ध्यान से देखें कि जब मैंने इस पूरी चेन को ऊपर रखा तो उतना वर्क डन करना पड़ा, जब मैंने सिर्फ 1 मीटर को रखा तो इतना वर्क डन करना पड़ा। तो मेरा वर्क डन उसमें ज़्यादा, इसमें कम, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 मीटर चेन ऑलरेडी किस पे पड़ी हुई थी? टेबल पे। उसमें यानी कि ऑलरेडी वर्क डन मुझे नहीं करना पड़ा। तो जो इन वर्क डन का डिफरेंस होगा वो यहाँ छुपी हुई एनर्जी है, और जब वो नीचे गिरेगी वही काइनेटिक की फॉर्म में बाहर आएगी। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वही बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या करेंगे, इस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस करके देखें, वही काइनेटिक एनर्जी है। अदरवाइज एनर्जी सेम ना हो जाती, जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा या चेंज ऑफ एनर्जी होगा वही बाहर दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें? तो इसमें पूरी चेन को ऊपर उठाया इंक्लूडिंग 2 मीटर, इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग 2 मीटर। इसके अंदर 1 मीटर को ऊपर उठाया, तो 2 मीटर का वर्क डन इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है, और जब ये नीचे गिरेगी चेंज लेके आएंगे वो 2 मीटर का वर्क डन आपको काइनेटिक की फॉर्म में नजर आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, चेन जब काइनेटिक एनर्जी की चेन की प्रॉब्लम आएगी तो आपने 2 केस बनाने हैं, दोनों को चेन को ऊपर उठाने का वर्क डन कैलकुलेट करना है, और जो डिफरेंस होगा वही आपकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, नया टाइप की प्रॉब्लम है, अगर आ जाए तो इंपॉर्टेंट है, आ जाती है कॉम्पिटिशन में, मेन में तो आई हुई है, नीट में बड़ी बात नहीं आ सकती है। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें? ये टाइप की प्रॉब्लम है, ये टाइप की प्रॉब्लम आप खुद करना थोड़ी मैथ्स लगा के। मैं 95% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, आपकी बुक्स में एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व करने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा 2 स्टेप आगे लगा के आप ज्योमेट्री लगा के इसको ठीक कर लेना, आंसर आपने निकाल लेना, लेकिन मैं आपको मेथड सिखाता हूँ, आप कॉपी में लिख सकते हैं। हमने किया नहीं हुआ, नया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सपोज करो आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ये लो आपके पास एक हेमिस्फेयर है, राइट, क्लियर है। इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक मास है जिसकी वेलोसिटी 0 है, हल्का सा इसको हिला दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये मास यहाँ से यहाँ आया इसके बाद, और इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली? वी। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नॉट गिवन, मुझे को यू 0 गिवन है, वेलोसिटी वी पता नहीं, लेकिन इतना पता है इसके बाद इसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया और ये हवा में स्लिप होता हुआ हवा में टेंजेंशियली चला गया, इसे सरफेस का कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, और कॉन्टैक्ट जो छोड़ा वो कितने एंगल पर छोड़ा? थीटा, थीटा एंगल पे कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। तो आपको बताना है कॉस थीटा की वैल्यू इसमें क्या है जब बॉडी कॉन्टैक्ट छोड़ देगी। जब भी बॉडी कॉन्टैक्ट छोड़ेगी, अगर मैं स्टेज से जंप मार दूं, कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा? 0। कॉन्टैक्ट छोड़ने की प्रॉब्लम में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 0 करना है, राइट? तो जब ये बॉडी यहाँ मूव कर रही होगी, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी, सर्कुलर मोशन में रेडियस आर है, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, इसका वेट यहाँ एक्ट करेगा, इसके कॉम्पोनेंट्स बनेंगे इंक्लाइंड प्लेन की तरह, ये थीटा हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन हो जाएगा। बना लें, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें क्या करना है आपको,
इसमें क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, सर्कल में है तो इसका सेंटर है, इसके पास क्या होगी, सेंट्रिपेटल होगी। कितनी, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज एम वी स्क्वायर बाय आर, ये सेंट्रिपेटल है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर कांटेक्ट छूट जाता है उसी टाइम नॉर्मल रिएक्शन को उठा के क्या पुट कर देना है, जीरो। कांटेक्ट लूज करने का मतलब एन को जीरो पुट कर देना, एन जीरो का मतलब एम से एम कट गया और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, कॉस थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर जी। पर वी तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, मेरे को तो यू गिवन है, जीरो। कोई बात नहीं, वी निकाल लेते हैं। सर्कुलर मोशन में जब एक वेलोसिटी पता हो और दूसरी निकालनी हो तो क्या करना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेते हैं वी कैसे, ये देखो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक, ये दो पॉइंट्स लेते हैं और ये मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है। अब ये डिस्टेंस जो था ये आर था, ये टोटल कितना था, आर है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख लें प्लीज, अगर ये आर है ये थीटा है तो ये डिस्टेंस पता है क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो उस हिसाब से ये जो डिस्टेंस बचेगा ये वाला, ये पता है कितना होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। देखना ये आर है ये आर कॉस थीटा, तो बचा क्या, आर माइनस आर कॉस थीटा, ये एच की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक। अब यहां पे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहां पे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसे ग्राउंड माना है, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, काइनेटिक कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल यहां पर कितनी एम जी एच और काइनेटिक यहां पर कितनी जीरो, यानी कि एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से एच की वैल्यू मुझे पता है, आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू, यहां से वी स्क्वायर बाय टू, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। इस वी स्क्वायर को उठा के यहां पे पुट कर दें तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू जी, आर जी आर जी कैंसिल कर दें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी टू बाई थ्री। अगर तुम मेरे से ये क्वेश्चन कभी पूछो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे को आंसर याद है टू बाई थ्री, कॉस थीटा हमेशा टू बाई थ्री होता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब मेंस वालों ने क्या किया, उनको पता है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस करके आएगा और कहीं ना कहीं जो अच्छा स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा, उसको भी आंसर याद हो जाते हैं टू बाई थ्री है। उसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, उसने आर माइनस एच में से कुछ आर एच की वैल्यू पूछ ली, कॉस थीटा उसमें टू बाई थ्री पुट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल से कुछ ज्योमेट्री लगा के कुछ एच या आर निकालने आंसर है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। हाँ, जिसको नहीं आता वो ये ट्राई तो कर नहीं सकता, इतना तो रफ पेपर भी नहीं मिलता उन्हें। तो कहने का मतलब है इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अच्छा अच्छा ये तो हमने कर रखा है, इसका आंसर तो ऐसे था। और ये तभी होगा जब आप बार 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 प्रैक्टिस करेंगे और आंसर्स आपको आने वाले टाइम में याद ही हो जाते हैं, काफ़ी आंसर याद हो जाते हैं स्टूडेंट को आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बार बार करने से। एक बार नहीं होते, दो चार बार जब प्रैक्टिस होंगे, टेस्ट होंगे टेस्ट होंगे टेस्ट होंगे, याद हो ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद करो, अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाती हैं, और नहीं भी होती मेथड तो पता ही होता है क्या करना है, समझ में आ रहा है क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है।